हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगम मंच। वी आर प्रेजेंट हियर विद अनदर न्यू सेशन, इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास या सांवेगिक विकास। तो फ्रेंड्स, आज जो हम प्रेजेंट हुए हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट या सांवेगिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यानी किस तरह से संवेग, किस तरह से हमारे इमोशंस काम करते हैं एंड किस तरह से हमारे संवेगों का विकास होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, किस तरह से जन्म से लेकर लास्ट तक यानी एडोलेसेंस तक किस तरह से हम अपने इमोशंस को एडॉप्ट करते हैं और किस किस तरह से विकास होता है। जो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा यानी टर्म इमोशन एंड डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट ने इमोशंस के बारे में कहा है वो, एंड हाउ टू कंट्रोल आ इमोशन, एंड एक ही व्यक्ति पर किस किस तरह से यानी अलग अलग व्यक्तियों पर एक इमोशन किस किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन जो सी टेट, यू पी टेट एंड सुपर टेट, के वी एस, एन वी एस आदि सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को पूरा देखें, वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि तभी आपको ये समझ आ पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है एक वीडियो यानी एक सेशन का कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से देखें हमारी ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी हम बात करते हैं यानी इमोशनल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं यानी इमोशन, इमोशन की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इमोशन का हिंदी रूपांतरण यानी संवेग है। तो इमोशन जो बना है, इमोशन की जो उत्पत्ति हुई है वो वर्ड इमोवेयर से हुई है यानी इमोवेयर। इमोवेयर एक लैटिन वर्ड है। तो कहा जा सकता है कि इमोशन जो शब्द है वो लैटिन से बना है, लैटिन वर्ड यानी इमोवेयर। इमोवेयर का मतलब होता है यानी मीनिंग ऑफ इमोवेयर, टू स्टेयर अप अर्थात। तो इमोशन वह दशा है या वह उत्तेजित दशा जो हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू निकल कर आती है यानी हमारा भावात्मक विकास किस तरह से। तो टू स्टेयर अप मतलब उत्तेजित दशा। या फिर ये कह सकते हैं कि उथल पुथल, जो हमारा भावात्मक उथल पुथल है, इमोशनल उथल पुथल, वो हमारे यानी इमोशन है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की यानी इमोवेयर, इमोशन का जो इमोशन की जो उत्पत्ति हुई वो इमोवेयर से हुई है। इमोवेयर एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स उत्तेजित दशा यानी उथल पुथल दशा। तो फ्रेंड्स, और कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने संवेगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है। हम वुडवर्थ की बात कर लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग उत्तेजनाओं का भाव है यानी वुडवर्थ महोदय कहते हैं यानी जो हमारे संवेग हैं वो एक भाव है, एक फ्लो है। हमारे जो उत्तेजना होते हैं यानी उत्तेजित दशा यानी उनका बहाव है। तो बुढ़ महोदय बहाव मानते हैं कि एक बहाव है हमारे जो इमोशन से, मतलब कहते हैं ना निकल निकल के आ रहे हैं इमोशन, बह रहे हैं इमोशनल, जैसे इमोशनली क्यों इतना परेशान हो रहा है या इमोशन बाहर को निकल के आ रहे हैं, इस तरह से कहते हैं ना। तो बुढ़ मानते हैं कि जो हमारे इमोशन, हमारे जो संवेग हैं वो एक बहाव है, उत्तेजित बहाव है। तो ये हमने बात की। और इमोशनल की बात करते हैं तो इमोशन दो तरह के होते हैं यानी एक पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव। मतलब कोई भी इमोशन डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति के अनुसार पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। क्योंकि कई लोग जब भी फियर होता, कई लोग फियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे देते हैं और कुछ लोग फियर यानी गुस्से को, अपने क्रोध को या डर को, या हम एंगर की बात कर लेते हैं तो एंगर को कुछ लोग तो बड़ी आसानी से, मतलब एक सहज व्यवहार के साथ, अच्छे से उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके उसे कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग मतलब क्रोधित होकर मतलब अपना आपा खो बैठते हैं। तो कुल मिला के इमोशंस अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, ये रही एक बात। इसके बाद हम जब बात करते हैं इमोशंस के बारे में, जब भी बात आती है तो हमें वॉटसन का नाम बिल्कुल सबसे पहले याद आता है यानी वॉटसन, वेवरेस्ट
व्यवहारवाद के जनक जिन्हें हम कहा जाता है जो डस बॉटसन। तो इन्होंने जो संवेगों के बारे में बात की है, इन्होंने संवेग तीन प्रकार के बताए हैं, दैट इज लव, एंगर एंड फियर, यानी प्रेम या स्नेह, एंगर क्रोध एंड फियर यानी डर। तो वॉटसन महोदय जो मानते हैं, इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं और इन्होंने जन्मजात बताया है, यानी जो हमारे तीनों प्रकार के इमोशन हैं वो जन्मजात होते हैं। जब भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर इन तीनों इमोशन को लेकर पैदा होता है, मतलब बच्चे में स्नेह की भावना होती है एंड बच्चा क्रोध भी करता है, जैसे उसको ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है, मतलब दूध पीने की ज़रूरत होती है, भूख महसूस करता है तो वो क्रोध करता है, एंड वो तेज़ आवाज़ को, जब पहले पहले बच्चा होता है मतलब जन्म के समय न्यू बॉर्न बेबी, तेज़ आवाज़ को सुनकर या अजीब कई चीज़ों को देखकर डर जाता है। तो वॉटसन महोदय कहते हैं कि जन्म के समय बच्चे में तीन संवेग विद्यमान होते हैं, मतलब तीन संवेगों के साथ बच्चे का जन्म होता है, संवेग तीन प्रकार के होते हैं। ओके, तो हमने बात की, तो वॉटसन महोदय ने तीन संवेग माने हैं। इसके बाद संवेगों के यदि हम प्रभाव की बात करते हैं, यदि संवेगों को क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम इफेक्ट की बात करते हैं, तो संवेग हमारे जो इमोशंस किन किन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अधिगम, मतलब हमारी जो लर्निंग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बच्चा जो स्कूल में जाता है, कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करता है, तो हमारे जो इमोशंस है वो उस पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हमारी जो पर्सनैलिटी हो गई, यानी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, एंड हमारी थिंकिंग, हमारी सोच पर भी, किस तरह से हम चीज़ों को सोचते हैं उस पर व्यवहार डालते हैं, यानी थिंकिंग, एंड इसके बाद हमारा व्यवहार। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिस पर प्रभाव डालता है हमारे संवेग, तो ये कुछ फैक्टर जिन पर हमारे संवेग प्रभाव डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात, और कई सारी चीज़ें हैं इस डिस्कस करने के लिए इस सेशन में। ये जो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को पूरा जरूर से देखें, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, सी टेट स्पेशल क्लासेस शुरू की हैं, मतलब सी टेट के मद्देनज़र ये सेशन चल रहा है, तो सी टेट के लिए और इक्वली सारे के सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, हमने बात की इमोशन, जो हमारे इमोशंस होते हैं, मतलब सभी जानते हैं, जो हमारे उत्तेजित दशा होती है, हमारे भावनात्मक जो होते हैं, हमारी जो भावनाएं किस किस तरह से फूट फूट कर बाहर निकलती हैं, जैसे तीन संवेग की बात की वॉटसन ने, क्रोध हो गया हमारा, हमारा प्रेम हो गया, हमारा स्नेह, हमारा गुस्सा हो गया, या हमारा डर हो गया। और हम बात करते हैं, यानी मैकडूगल महोदय के अनुसार, मैकडूगल ने 14 प्रकार के यानी मूल प्रवृत्ति बताई हैं कि बच्चा जब पैदा होता है वो 14 तरह की मूल प्रवृत्ति लेकर आता है। बाद में उन्होंने ही इन्हें मूल प्रवृत्तियों को 14 संवेग बता दिया है। तो मैकडूगल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने मतलब इमोशंस को अलग अलग तरीके से बताया, अपने अपने तरीके से, किसी ने कितना, किसी ने कितना, किसी ने 30, किसी ने 35, किसी ने 3, 4, 1, 2। तो इस तरह से मैकडूगल महोदय ने 14 संवेग बताए हैं जो मूल प्रवृत्ति होती हैं, मतलब बच्चा जैसे भूख, प्यास, क्रोध, डर, भय, ये सारी चीज़ें, ये वासना, कामुकता आदि, सभी 14 संवेग मैकडूगल ने उसे मॉडिफाई करके 14 संवेगों की बात की है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ही संवेग दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अलग अलग हो सकता है, मतलब दो कोई व्यक्ति हैं उनमें संवेग किस किस तरह से, यानी एक संवेग दो व्यक्तियों में किस किस तरह से काम करता है, अर्थात एक संवेग अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि एक ही संवेग डिपेंड करता है किसी भी आदमी पर, मतलब इट डिपेंड्स ऑन अ मैन, मतलब किस तरह से उसने इसे एडॉप्ट किया है, किस तरह से उसने इसे सीखा है, मतलब किस तरह से वो कंट्रोल कर पाता है, वो डिपेंड करता है। हम बात कर लेते हैं एक उदाहरण के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, कि एक ही संवेग, यानी हम बात कर लेते हैं यानी एंगर, या हम बात कर लेते हैं फियर, डर, ये दो संवेग हैं। यदि हम फियर की बात करते हैं, एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक संवेग, हम बात कर लेते हैं यानी फियर, क्रोध, डर के, कि दो दो बच्चे हैं,
ठीक है। दो बच्चे हैं, दोनों में डर यानी फियर होगा, इमोशन होगा, बिल्कुल होता है। तो एग्जाम टाइम है, यदि एग्जाम टाइम की हम बात करते हैं, यानी एग्जाम टाइम है तो सभी को फियर होता है, मतलब एग्जाम टाइम से पहले या एग्जाम आने पर सभी को डर होता है। तो दो बच्चे हैं, दोनों के साथ मतलब फियर काम कर रहा, उनका इमोशन, उनका डर काम कर रहा है, ठीक। तो एक जो बच्चा है वो एग्जाम आने से पहले पहले अपने इमोशन पर काबू पा लेता है, कुल मिला के इसने अपने इमोशन, अपने डर को काबू कर लिया, ठीक। और एग्जाम हॉल में जब भी जाता है, मतलब एग्जाम हॉल में जब वो गया तो एकदम हैप्पीनेस, मतलब नया इमोशन लेकर आया, एकदम खुशी के साथ गया, ठीक। जो उसका पहला इमोशन था, मतलब एग्जाम की वजह से जो उसे डर लग रहा था, मतलब वो एग्जाम करने की वजह से चिंतित था, स्ट्रेस में था, तो उसका एक इमोशन हावी हो रहा था उस पर, मतलब डर। तो एग्जाम आने से पहले पहले तक उसने उस पर काबू कर लिया, मतलब अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, अपने ठीक है उससे किसी तरह से मैनेज किया। इसके बाद दूसरा जो बच्चा है वो डर की वजह से, मतलब डर के कारण अपना पूरा का पूरा जो एग्जाम है उसने स्पॉइल कर लिया, मतलब खराब कर लिया, क्योंकि वो अपने जो डर, अपना जो फियर था, जो इमोशन था, वो बहुत भयंकर रूप ले गया, क्योंकि डर की वजह से उसे वो मैनेज नहीं कर पाया, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसका मतलब उसके एग्जाम खत्म होने तक, एग्जाम का लास्ट हो गया, लेकिन उसका जो इमोशन है, मतलब उसका जो फियर है, बिल्कुल भी नहीं गया, उस पर हावी रहा। तो यहाँ से दो चीज़ निकल कर आते हैं, इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण के दो चीज़ निकल कर आते हैं कि इमोशंस आर सब्जेक्टिव। जो इमोशंस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी इमोशंस आर सब्जेक्टिव। इमोशंस आर सब्जेक्टिव, तो ये डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन अ मैन, मतलब एक व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं, वो किस तरह से उसने इसको एडॉप्ट किया है, किस तरह से सीखा है, किस तरह से वो मैनेज करता है अपने इमोशंस को, अपने जो भी संवेग हैं, किस तरह से इमो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, या उसको इमोशन, उसके इमोशंस को प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो किस तरह से वो मैनेज कर पाता है अपने इमोशंस को, वो डिपेंड करता है। तो सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक ही संवेग यानी एक ही इमोशन डिफरेंट डिफरेंट यानी इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये रही एक बात, तो इमोशन सब्जेक्टिव होता है, यहाँ से एक बात क्लियर होती है। और कोई भी इमोशन किसी पर हावी हो सकता है, और कोई उसी इमोशन को, मतलब उसी संवेग को बड़े आसानी से, सहजता के साथ उससे निपट सकता है। तो फ्रेंड्स, इमोशन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, कोई कोई अपने ऊपर उसे हावी होने देता है। और क्योंकि ये बात कही भी जाती है कि फ्रायड महोदय ने कहा है कि इमोशंस को मतलब दबा के नहीं रखना चाहिए, उसे समय समय पर निकालते रहना चाहिए, वरना एक वो ज्वालामुखी का रूप ले लेते हैं। और यानी फ्रायड ने, महोदय ने कहा है कि इमोशंस को दबा के नहीं रखना चाहिए, निकालते रहना चाहिए समय समय पर, एक मतलब उचित डायरेक्शन दे देनी चाहिए अपने इमोशंस को, उचित डायरेक्शन के साथ हमेशा निकालते रहना चाहिए, वरना संवेग जो होते हैं एक ज्वालामुखी का रूप ले सकते हैं। ज्वालामुखी का रूप मतलब वो किस कभी भी, जब भी फटनेंगे, मतलब इमोशन हमारे जो बहेंगे, निकल के आएंगे एक साथ, जो निकल कर आएंगे, ऐसे कहते हैं ना, इमोशनल क्यों, क्यों इमोशन में बह जा रहा है, तो कुल मिलाकर इमोशन एक साथ निकल कर आएंगे और वो ज्वालामुखी की तरह फट जाएंगे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई दिनों से, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देना सही होगा या नहीं, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, कि हस्बैंड वाइफ में जब भी फाइट होती है, कई बार फाइट हो रही है, कई दिनों से चली आ रही है, धीमे धीमे कभी मतलब स्लो पड़ जाती है और तेज़ पड़ जाती है, तो एक साथ मतलब ऐसा भी टाइम आता है कि वो एक साथ भड़क उठते हैं दोनों, मियाँ बीवी, और जो उनके इमोशंस हैं बहुत भयंकर रूप ले लेते हैं, मतलब खतरनाक रूप ले लेते हैं, और वो एक भयंकर युद्ध की तरह, मतलब एक लड़ाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो फ्रायड कहते हैं कि इमोशंस को दबा के नहीं रखना चाहिए, समय समय पर उचित डायरेक्शन के साथ उनको निकालते रहना चाहिए, क्योंकि एक वो ज्वालामुखी का रूप ना लेने, और जब भी वो ज्वालामुखी का रूप ले लेंगे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार पर इफेक्ट डालेंगे और आपको बहुत सारे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैकडूगल की हमने बात की, तो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, वो बताए मूल प्रवृत्तियों को, इन्होंने 14 संवेग कहा है। उसमें से जो वॉटसन के जो 3 संवेग हैं, यानी
लव, एंगर एंड फियर, उन उनको मिलाकर मतलब वो भी शामिल हैं। तो मैकडूगल ने जो जो संवेग बताए उनमें से कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, वात्सल्य हो गया, वात्सल्य मतलब प्रेम को इन्होंने वात्सल्य कह दिया, एंड इसके साथ साथ विषाद हो गया, विषाद हमारा स्ट्रेस, या क्रिएटिविटी मतलब रचना हो गई, रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को इन्होंने संवेग माना है। इसके बाद सेक्सुअल एबिलिटी हो गई मतलब कामुकता हो गई, एंड आमोद प्रमोद भूख प्यास आदि सभी। तो कुल मिलाकर मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। लेकिन जो भी हों संवेग, कितने भी हों या किसी भी तरह से हों, उनको कंट्रोल करना, उसको एडोप्ट करना या उनके अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम जब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यानी इमोशनल डेवलपमेंट में एक और जो नया टॉपिक निकल के आता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट में हमने जो बात की, नेक्स्ट एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। यानी लैटिन वर्ड इमोवेयर से बना है, और इसके जो अर्थ है टू स्टेरअप, उत्तेजित दशा, उथल पुथल की दशा है, और संवेग उत्तेजनाओं का मतलब बहता हुआ रूप है, मतलब एक बहाव है। जे वॉटसन ने 3 संवेग बताए हैं, लव, एंगर एंड फियर। ठीक है, तो एक ही संवेग 2 व्यक्तियों पर किस किस तरह से अलग होता है, किस किस तरह से उन्हें प्रभावित करता है, और संवेगों का प्रभाव हमारे अधिगम, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, थिंकिंग, व्यवहार आदि सभी पर पड़ता है। और जो संवेग हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब इंडिविजुअल्स को वेरी करते हैं कि किस तरह से उसने अडॉप्ट किया, किस तरह से उसे मैनेज कर पाता है कोई भी व्यक्ति, तो उस तरह से उसके उस पर वो प्रभाव डालते हैं, किस तरह प्रभाव डालते हैं। हमने जो एक एग्जाम्पल बताया, यानी एग्जामिनेशन हॉल का, एग्जाम टाइम का, 2 बच्चे किस किस तरह से अपने एक ही जो इमोशन है, हमने एग्जाम्पल लिया मतलब एंगर, सॉरी फियर, डर का, तो किस किस तरह से अपने डर, अपने इमोशन पर काबू पा लेते हैं। एक बच्चा काबू नहीं पाता, एक काबू पा लेता है। तो ये हमने एक बात की, इससे जो साबित होता है वो है कि इमोशंस आर सब्जेक्टिव, जो हमारे इमोशन होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि एक व्यक्ति पर किस तरह से हावी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पर एक जो नई टर्म निकल कर आती है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो फ्रेंड्स इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस से एक जो एबिलिटी निकल कर आई है, मतलब एक जो क्षमता निकल कर आई है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कहें इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे IQ होता है, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की तरह, यानी EIQ इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी तो कुछ साइकोलॉजिस्ट यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को IQ से महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सीधा प्रभाव हमारे इंटेलिजेंस को सेंट पर पड़ता है, बुद्धि लब्धि पर पड़ता है। क्योंकि किस तरह से हम अपने संवेग, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से प्रभावित होने से बचाते हैं या एडोप्ट करते हैं, किस किस तरह से वो हमारे कुल मिला के IQ पर प्रभाव डालते हैं। तो जो बात कही, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है हमारा, यदि हाई होता है तो वो भी खतरनाक है, हमारी IQ को प्रभावित करता है। जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि क्रोध दिमाग को खा जाता है, मतलब गुस्सा दिमाग को खा जाता है, मतलब कोई भी इमोशन हम पे ज़्यादा हावी होता है तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो घटने लगती है। यदि हमारी जो इमोशंस हाई हो रहे हैं तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो घटने लगेगी। तो ये रही एक बात, हम जो बात करने वाले थे, मतलब कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंट के बाद एक टर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकल कर आती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इमोशनल इंटेलिजेंट की जब भी हम बात करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर
ऑन इमोशन, ऑन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। तो फ्रेंड्स इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर ऑन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक कैपेबिलिटी, एक जो क्षमता है इंडिविजुअल्स, मतलब पर्सन टू पर्सन एक कैपेबिलिटी है जो अपने इमोशन, अपने संवेगों को किस तरह से पहचानते हैं, पहचानने का एक क्वालिटी, एक गुण है, एक विशेषता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये चीज़ ऐसे नहीं कि क्रोध, मतलब कोई भी लव, मान के चलिए एक इमोशन लव है, तो प्रेम में कोई व्यक्ति किस तरह से उसको ट्रीट करता है, कोई इस किस तरह से, तो लव किसी पर किस तरह से हावी होता है और किस पर किस तरह से, यानी एक संवेग हो गया। तो कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी पर्सन टू पर्सन एक कैपेबिलिटी है जो अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब अपने संवेगों को पहचानने की पहचान पाते हैं, एंड दोज ऑफ अदर्स और दूसरे के इमोशंस आदि सबको पहचानने की एक कैपेबिलिटी है। तो ये रही एक बात। यदि हम इसके टर्म की बात करते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म की बात करते हैं, तो ये 1964 में एक पेपर आया, उसमें पेपर में छपे लेख के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई, मतलब थोड़ी पब्लिश हुई, थोड़ी पॉपुलर होने लगी। जो लेख लिखा था उनका नाम ये माइकल माइकल बेल माइकल बेल्डो माइकल बेल्डोक माइकल बेल्डोक ने यानी 1964 में माइकल बेल्डोक पेपर में एक जो लेख आया उसमें इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंट की बात की है। इसके बाद जो शुरुआत में जो लेकर आए, मतलब जो बात कही है, ये कहें बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत की बात करते हैं, मतलब बिल्कुल बिगेंस शुरुआत की जो बात करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बिल्कुल शुरुआत की वो दो नाम निकल कर आते हैं, यानी पीटर पीटर सोलोवे ओके पीटर सोलोवे एंड दूसरा जॉन मेयर। पीटर सोलोवे एंड जॉन मेयर ने स्टार्टिंग में, मतलब बिल्कुल शुरुआत में इसकी बात की है, एंड जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरिटी मिलती है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक कैपेबिलिटी है उसको सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरिटी मिलती है वो सबसे ज़्यादा, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो किया सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर किया वो 1995 यानी 1995 में एक बुक आई, बुक का भी नाम इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक जो 1995 यानी 1995 में आई, उसके बाद से जो इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसको बहुत ज़्यादा माने लगा और माना जाने लगा और कहा जाने लगा कि जो IQ होती है हमारी, यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट, उससे भी कहीं ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए और हमारे कॉग्निशन के लिए, किस किस तरह हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे व्यवहार आदि सभी के लिए। तो ये जो बुक थी, इस बुक के यानी राइटर की बात कर लेते हैं, तो इस बुक के जो राइटर हैं वो डेनियल गोलमैन डेनियल गोलमैन तो फ्रेंड्स डेनियल गोलमैन के द्वारा यानी 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक आई, उसके बाद से जो संवेगात्मक विकास में एक जो लहर सी आई या इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया, यानी गोलमैन ने, गोलमैन के जो बुक है उसके बाद से इस टर्म को बहुत ज़्यादा पहचाने जाने लगा और इसके बारे में बातें होने लगी और कुल मिला के ये इसका अध्ययन होने लगा। ओके फ्रेंड्स ये रहे इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म, यानी ये भी संभव हमारे
सांवेगिक विकास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। ठीक, जब भी हम बात करते हैं यानी स्टेजेस, तो किस किस तरह से, मतलब किस स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल वो बहुत सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं, चाहे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आदि सभी की बात करें, तो जन्म से लेकर मतलब शुरुआत से, जन्म के बाद से ही इमोशनल डेवलपमेंट होता है तरह से, यानी इन्फेंसी में थोड़ा कम, उसके बाद चाइल्डहुड में थोड़ा ज़्यादा, एंड जब से बच्चा सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगता है, बाहर जाने लगता है, या चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड या प्री स्कूल एज या एडोलसेंस तक आने तक बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना आदि सभी सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इमोशंस सबसे ज़्यादा हावी होते हैं, बिल्कुल लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरह के, एडोलसेंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब चरम पर होता है, अर्ली चाइल्डहुड में हो गया होता है, इसी तरह से जो एडोलसेंस या चाइल्डहुड की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो गया होता है। अब हम बात कर लेते हैं यानी हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल या मैनेज अवर इमोशंस। हम अपने इमोशन, अपने संवेगों को किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से मैनेज करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हमने अपने संवेगों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दिया तो वो भी खतरनाक है, या हमारे संवेग लो हो गए मतलब दबा के रखा, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस को उचित डायरेक्शन के साथ, मतलब उचित दिशा के साथ समय समय पर निकालते रहना चाहिए, उसे एक सही डायरेक्शन देते रहना चाहिए, वरना वो हम पर हावी हो सकते हैं और हमारे जो पर्सनैलिटी आदि सभी को डैमेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाउ टू मैनेज या हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी हम तरह की बात करते हैं तो दो चीज़ होती हैं, यानी हाई इमोशन, ठीक, जब अभी हमारे इमोशंस हाई जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। एंड इसके बाद हम जो बात करते हैं यानी लो इमोशंस, जब भी हमारे इमोशंस नीचे जाते हैं, मतलब जब हम अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा निकालते हैं, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा उत्तेजना के साथ बाहर निकलते हैं, मतलब हम अपने हर बात बात पर इमोशंस निकालते हैं, वो उनका मतलब इमोशंस का हाई होना, या हम अपने इमोशंस को, मतलब इमोशंस निकल के उद्वेलित अवस्था में हैं, निकल निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम उसको दबाए बैठे हैं अपने आप ही, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि दिल की बात दिल में दबाए रखना, या मन में ही कोई बात है तो उसको ना कहना, कुल मिला के लो इमोशंस, हम अपने इमोशंस को दबा के ही रखते हैं, इमोशंस निकल निकल के आ रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो ये भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्रभावित जो करती हैं हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको डैमेज तक कर सकते हैं, मतलब नष्ट तक कर सकते हैं, मतलब कम तक कर सकते हैं, उसके डिक्रीज कर सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो हाई इमोशंस होना भी बहुत खतरनाक है और लो इमोशन होना भी बहुत खतरनाक है। तो कुल मिला के जो बात आती है टोटल, वो ये है कि हमारे जो इमोशंस है वो बिल्कुल बैलेंस अवस्था में होने चाहिए, यानी बैलेंस होने चाहिए, हमारे जो इमोशंस हैं बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हाई इमोशंस एंड लो इमोशंस हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता पे, हमारे चाहे लर्निंग हो गए, हमारे जो थिंकिंग हो गए, हमारे जो पर्सनैलिटी होगी, सब पर प्रभाव डालते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस हमारे कॉग्निशन, हमारे संज्ञानात्मक विकास का सीधा सीधा असर हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो हाई इमोशंस का होना, मतलब इमोशंस को बार बार हर चीज़ पर निकालना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इमोशंस को दबा कर रखना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो किस तरह से हम अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखें, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हम अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा कॉग्निशन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनैलिटी, व्यवहार, बाकी सब भी बैलेंस रहे। तो किस तरह से हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए कि किस तरह से, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, या किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, ये हमारे जो इमोशंस हैं
कभी भी हम पर हावी हो सकते हैं। इसे मैनेज करने के लिए हमको चाहिए जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इसको बैलेंस कर सकते हैं, या हमारा जो व्यवहार है या सहज व्यवहार या हमारा शांत व्यवहार, इस तरह के सोच हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। अब हम जो इस पर प्रभाव करने वाले जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं इमोशंस को, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस मतलब कंट्रोल या मैनेज रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, जो हमारे इंटेलिजेंस को डिक्रीज होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं, जन्म लेने के बाद जो बच्चा आता है वो हमारे फैमिली यानी परिवार में आता है, तो हमारे इमोशंस को मतलब कंट्रोल या मैनेज करने के लिए हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स, एल्डर या यंगर हो गए, उन सब के इमोशंस ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उन सब का व्यवहार हमें प्रभावित करेगा, हमारे इमोशंस, हमारे जो संवेग उनको प्रभावित करेगा। एंड हम बात कर लेते हैं, हमारा जब भी हम जाते हैं हमारे सोसाइटी या हमारा नेबरहुड कह सकते हैं, यानी पड़ोस, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जिस फैमिली में बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, उन उन फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं बड़े शांत स्वभाव के, बड़े बड़े ही अच्छे व्यवहार करने वाले होते हैं। और जिन फैमिली में बहुत ज़्यादा दंगल, शोर शराबा, गाली गलौच या अच्छा व्यवहार नहीं होता, मतलब बात बात पर क्रोध, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली इसी तरह से होते हैं कि कुल मिलाकर वो भी बात बात पर गाली देना, अपने इमोशंस को निकालना, रोना और बाकी सब क्रोध करना, लड़ाई झगड़े, ये सब होता है। तो सबसे पहले हमारी फैमिली होगी, फैमिली मेम्बर, इसके बाद पड़ोस हो गए, एंड इसके बाद जब स्कूल एज में बच्चा आता है तो हमारा स्कूल मतलब हमारा विद्यालय होगा। स्कूल में किस तरह का माहौल है, किस तरह के हमारे वहाँ पर टीचर्स हैं, वो किस तरह से हमारे इमोशनल मतलब संवेगात्मक जो विकास है उसमें किस तरह से मदद करते हैं वो डिपेंड करते हैं, और हमारे टीचर का स्वभाव किस तरह से वो अपने भावात्मक मतलब अपने संवेग अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल या मैनेज करते हैं वो डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा संवेगात्मक या संवेग विकास, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं, तो इस किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं और हम अपने इंटेलिजेंस आदि को सबको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इमोशनल डेवलपमेंट जो सेशन था, आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके सीटेट एग्जाम, सीटेट के साथ साथ KBS, NPS, DTSS भी, या इसके बाद सुपर टेट, यूपी टेट या बिहार टेट, एम टेट, बाकी सभी में इक्वली इम्पोर्टेंट है। और यदि आप भी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो हमारे इस सेशन को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज सीरीज आ रही है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वॉज SP सिंह।